अमूल्य है तेरा स्वास्थ्य, एक साधु की कहानी। किशनगढ़ में एक साधु रहता था। वह सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे। वह व्यायाम करना बहुत पसंद करता था, क्योंकि वह स्वस्थ रहने के लाभ अच्छी तरह जानता था। एक सुबह जॉगिंग के लिए जाते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति पुल पर खड़ा है। वह आदमी उदास दिख रहा था। उसे देखकर साधु को रहा था कि उस आदमी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। साधु उस आदमी के पास गया और पूछा, भाई तुम यहां सुबह सुबह क्या कर रहे हो? क्षमा करें, लेकिन मैंने आपको यहां कभी नहीं देखा। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं जीवन भर गरीब रहूंगा। ये कहकर वह उदास आदमी रोने लगा। अब साधु समझ चुका था कि उस आदमी की परेशानी क्या थी। उसने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुमने सब कुछ खो दिया है? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। उदास आदमी ने साधु से कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास एक भी रुपया भी बचा नहीं है। ठीक है, फिर एक काम करो, साधु ने कहा, तुम्हारी दोनों आंखों में से मुझे अपनी एक आंख दे दो और मैं तुम्हें 70,000 दूंगा। उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी आंखें तुम्हें नहीं दे सकता। तो साधु ने कहा, ठीक है, तो बस मुझे अपना एक हाथ दे दो और मैं तुम्हें 90,000 दूंगा। उस आदमी ने फिर से साधु के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। साधु ने फिर से कहा, भाई फिर मुझे अपना एक पैर दे दो, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। उस उदास आदमी ने फिर इनकार कर दिया। तब साधु बोला, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है? आपकी आंखें, कान, हाथ, पैर लाखों की कीमत के हैं। जब इनका मूल्य लाखों में है तो सोचो तुम्हारे शरीर का मूल्य कितना होगा। अब वह उदास आदमी चुप था और साधु की बातें सोच रहा था। साधु ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, जिनके पास अच्छा स्वस्थ शरीर उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है। उस आदमी ने साधु को गले लगाया और फिर से कड़ी मेहनत करने लगा। साधु ने उस आदमी के जीवन का मार्ग हमेशा के लिए बदल दिया था। मॉरल ऑफ स्टोरीज, पुरानी गलतियों को भूल जाओ, असफलताओं को भूल जाओ, अभी जो करने जा रहे हो उसके अलावा हर एक चीज को भूल जाओ और उसे करो। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।